नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बताऊंगी सिलते टाइम आने वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो यदि आपकी मशीन कपड़े का धागा खींचती है, जिस प्रकार मेरे देखिए इस कपड़े में जो धागा खींचा रहा है, ये मैंने सिलाई लगाई है, इससे ये धागा खिंचाया है, तो इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है और ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसका क्या सॉल्यूशन है, तो आइए देखते हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले हमें सुई को चेक करना होता है, तो हम यहाँ से सुई खोलेंगे। हमारी सुई मुड़ जाती है या उसकी नोक टूट जाती है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, तो उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से हमें सुई को खोलना है। ये हमारी सुई, या तो आप सुई चेंज कर सकते हैं, नई सुई लगा लें, या आपके पास नई सुई नहीं है तो हम इसी को सही करना सिखाते हैं। तो हमें कैंची लेना है और कैंची पे इसे थोड़ा सा इस प्रकार घिसना है, जिससे कि हमारी जो मुड़ी हुई सुई होगी तो उसमें हमें तीखी धार बन जाएगी। इस प्रकार चेक कर लें, ये बिल्कुल तीखी धार है इसकी, तो हम इसी सुई को लगा के हमारा काम चला सकते हैं। अगर हमारे पास नई सुई नहीं है तो हम इस सुई को लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं और कैसे निकालते हैं सही तरीके से, तो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कपड़ा खींचाने वाली। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।